सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो कुछ ऐसे नज़ारे के बीच हम रहे थे कल रात, और बहुत अच्छी रात कल हमारी गुजरी। और अभी सुबह के लगभग 6:30 बज गया है। तो अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, और भाई नज़ारा देखो कितना प्यारा नज़ारा है। पीछे हमारे नदी बह रही है। ये कौन सी नदी है? प्यारी नदी, बहुत बड़ी नदी है। तो ये नदी आ रही है रोहतांग लाग से होते हुए, और यहाँ से जाएगी आपके आगे तो लद्दाख को जाएगी। और भाई इतना प्यारा एरिया था ना, आप पीछे देखिएगा। तो ये देखो हमारे पीछे जो इसका नज़ारा है ना, कुछ इस तरीके से है। पूरे पेड़ पेड़ थे, और ये नदी थी। तो मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था, तो वहाँ रोहित ने पेड़ के नीचे बैठ के मैगी वगैरह बना दी। और कुछ हमने बाइक ना इस तरीके से लगा रखी थी अपनी रात को, ताकि सेफ्टी से कोई जानवर वगैरह ना आ पाए। और हवा भी चल रही थी, तो हवा का जो रुक है ना वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कहते हैं बाइक लगा दी थी, और पेड़ के नीचे मैगी बनी बहुत प्यारी। भाई तूने मैगी भी बना दी थी जल्दी। चम्मच ओके। तो देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना, सामने इतने बड़े बड़े दो पहाड़, और उसके पीछे बादल, और सामने नदी। यार ये एक्सपीरियंस ना बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, और लद्दाख के अंदर तो पहला ही है। तो चलिए अब मैगी खाते हैं, और उसके बाद कुछ और काम करते हैं, एडिटिंग बाकी थोड़ी सी। तो एडिटिंग ख़त्म करके ना यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको जल्दी जल्दी निकलना है, आगे को पहुँचना है आज लगभग। तो आज ना हमारा सरचू पहुँचने का प्लान है, तो देखते हैं कितनी जल्दी सरचू पहुँचते हैं। लगभग यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर के 90 किलोमीटर के आसपास सरचू बचा हुआ है। तो जल्दी से निपटाते हैं यहाँ का रास्ता, और चलते हैं सरचू। खाना पीना हो गया। अब यहाँ मेरी हिडम्बा मंदिर वाला जो ब्लॉग है ना वो एडिट हो रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना तो जाके चेक करिए, बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग बनाया, और तो बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया। तो जाके चेक करिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं और एडिट करता हूँ, उसको पूरा कम्प्लीट करके फिर दूसरा भी एडिट करना। तो भैया अभी टाइम ना लगभग 1:37 हो गया है, और ना अभी भी हम यहाँ ना ये पुल के पास, मतलब जहाँ पर अपना टेंट लगाया था ना, वहीं रुके हुए। और यहाँ अभी मैं चाय बना रहा हूँ लड़कों के लिए, मेरे दो लड़के एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, और इतनी अच्छी छाया हो रही है, तो मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। देखते हैं अभी आधा एक घंटे में यहाँ से चाय बना के, चाय पी के थोड़ी देर में निकलेंगे। निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे आज मुझे सरचू पहुँच रहे हैं, और आज वहीं कैंप लगाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं कितने जल्दी रेडी होकर वहाँ पहुँचेंगे, तैयारी करते हैं। तो अभी ना हम जाने की तैयारी में थे, और अचानक ना मौसम में बदलावट आ गया, और ये देखो हवा हो गई है तेज, और बरसात वाला मौसम हो गया, ऊपर बादल वगैरह आ गए। तो हम सोचते हैं जल्दी से निकलते हैं। मेरा अभी ये स्पिनर वगैरह मैंने निकाल दिया, तो ये दोबारा मेरे को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, और इसको इंस्टॉल करने में 10-15 मिनट लगेंगे, और टेंट भी निकालना है जल्दी जल्दी। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे मौसम खराब हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम नदी के किनारे हैं, और अगर बारिश आ जाएगी तो ये जो रेताला इलाका है ना ये थोड़ा सा दब जाएगा, तो हमारी गाड़ी निकलने में परेशानी होगी। जल्दी से निकलते हैं। तो अभी ना बारिश रुक गई है, और अचानक बारिश तेज हो गई थी, लेकिन ना फिर बारिश आ गई। भाई फिर बारिश आ गई है, ओए बारिश फिर आ गई है, वो देख। हाँ अंदर चलो, और हमें ना जल्दी जल्दी ये लोकेशन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अभी वो पत्थर जो है ना आप देख लोगे, वो पत्थर पहले आधा दिख रहा था, और अभी अभी भर गया है। तो जल्दी से लोकेशन खाली करते हैं, क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है। तो अभी ना हमारा सामान सारा पैक हो गया है, सब कुछ टेंट हमने सब लगा दिया है, और उसके बाद ना अब निकलने की तैयारी करते हैं। हल्की हल्की धूप भी आ गई है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो यहाँ से अब निकलने का सोचते हैं, जल्दी से निकलते हैं।
दाल पे डाल, जल्दी डाल, दिल पे जगह बहुत है मेरे, तेरे दिल के चक्कर से ना मेरा वो खराब हो जाएगा। अब ना हमने सारा कुछ कर लिया और बाइक रेडी कर दी अपनी, तो अब निकलते हैं यहाँ से, उस पार जाना है हमने, वहाँ पे अपना खाना पीना करेंगे होटल पे, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। और ये जो आवाज़ नहीं आ रही ना साहब, इसकी दिक्कत माइक में पानी घुस गया है और कुछ नहीं है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे। और साफ जो नहीं आ रहा है, ये कैमरा ख़राब हो गया यार, बड़ी दिक्कत हो गई। ये एक तो मेरा माउंट ख़राब हो गया, मुझे लग रहा है लद्दाख जाते जाते तो मेरा सब सामान जैसे उधर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब रद्दा करूँगा ना तो अच्छे माइक, अच्छा कैमरा, अच्छा सब कुछ करूँगा। इस बार भी अच्छा ही था लेकिन गोप्रो ने धोखा दे दिया। चले चलो, तो टांडी का पेट्रोल पंप है, यहाँ से भी अपने जेरिकन वगैरह फुल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो तेल मिलेगा ना आपको, वो पड़ेगा 99 रुपीज़ 27 पैसे, तो ऑलमोस्ट 3-4 रुपये महंगा है आपका दिल्ली से। गैस भी बनेगी ना इसमें। तो मैंने ना अपने दोनों जेरिकन को भर दिया है तेल से और डिग्गी भी भर दी है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ खाने पीने का देखते हैं इंतजाम। तो ना अभी हम टांडी में रुके हुए ना, टांडी में हम अपना खाना पीना कर रहे हैं। टेंट वगैरह हर जो हमने लगाया था ना, वो उस तब लगाया था जो वो जगह है ना, वहाँ पे हमने अपना टेंट वगैरह लगाया था। और यहाँ पे टांडी में थोड़ा सा आगे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा टांडी संगम। टांडी संगम में क्या है आपका, कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर। तो ये जो नदी जा रही है ना, ये नदी का नाम है चंद्रा, और आगे जो जा रही है बागा रिवर, तो ये दोनों का मिलाप है आगे टांडी संगम पे, बस थोड़ा सा आगे जाके आपको मिल जाएगा। स्वाग आ गया रे, अरे तो खाना तो खा लिया है, फिर थोड़ा लेट हो गए थे, 5-6 बज गए हैं, और एक वीडियो भी अपलोड कर दी मैंने, तो वीडियो अपलोड करने के चक्कर से धूल लगकर बहुत है यहाँ। वीडियो अपलोड करने के चक्कर से ना थोड़ा सा हमको लेट हो गया था, और अब निकल गए हैं, तो देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी पहुँच के किसी लोकेशन पे हम टेंट वगैरह लगा लेंगे अपना, और खाने की व्यवस्था भी कर लेंगे हल्का फुल्का कुछ लेके ना। तो अब यहाँ से अभी केलोंग जाते हैं, और केलोंग के बाद देखते कहीं पे सही लोकेशन पे टेंट वगैरह लगा लेंगे। तो केलोंग जाते समय रास्ते में ना, एक शायद से यहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुआ होगा, तो रास्ता पूरा बंद है इसमें। यहाँ पे ना पूरा स्ट्रेस वगैरह आ रखा है, और तो बाइक बड़ी संभाल के जानी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि ना रोड़ा भी है और मलबा भी है, और मेरे बाइक में लोड ज़्यादा है ना, तो उस चक्कर से थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ रहा है। और देखो पानी आ गया यहाँ पे। मैं तो बाइक ना अपनी जो आगे से गाड़ी गई ना, उसके टायर के हिसाब से चला रहा हूँ, ताकि दिक्कत ना आए। देखो यहाँ भी पूरा पानी स्लश, और इस तरह के का रास्ता ना हमको पूरे रास्ते पर मिलने वाला है आगे। तो अभी हम केलोंग रुके थे ना, और केलोंग में हमको एक ये दिखा था कुछ। अंकल जी, ये जो इतने झंडे लगे यहाँ पर क्या है? लामा गोम्पा बोले तो मतलब बौद्ध जो होते हैं ना। अरे ये ऊपर मॉनेस्ट्री है क्या? लामा गोम्पा एक्चुअली एक जैसे हम लोग के मंदिर होते हैं वैसे, लामा गोम्पा यानी उनके जो धर्म स्थल हुए। तो मैं ना अभी केलोंग पहुंच गया हूँ मेन मार्केट में, और केलोंग का ना एक लोता ये पेट्रोल पंप है, और इसके बाद आपको ना आगे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अगर आप पेट्रोल भराना चाहते हैं ना, या तो आप वहाँ टांडी से भरा सकते हैं, या फिर आप केलोंग से भरा सकते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी आगे पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेगा। तो अभी ना हम केलोंग वैली से बस थोड़ा सा 1 किलोमीटर नीचे आए थे,
और अंधेरा भी ज़्यादा होता, तो हम यहीं रुक गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, रोहित के ना गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसके क्लच वायर में शायद दिक्कत आ रही है, क्लच प्लेट में दिक्कत आ रही है, पता नहीं, तो वो तो हम शायद आगे जाके चेक करवाएंगे। लेकिन अभी हम ना एक लोकेशन पे रुक गए हैं जहाँ पर ना एक ये ट्रक खड़ा है। ठीक, ये ट्रक खड़ा है, इस ट्रक के ना अंदर हम अपना टेंट लगाएंगे आज, और बाइक वगैरह हमने यहाँ खड़ी कर दी, एक बाइक ये खड़ी कर रखी है, एक बाइक ये खड़ी कर रखी है, और एक अभी रोहित लोग सामान लेने के लिए गए हैं तो उनका वेट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ना आज हम गाड़ी के अंदर टेंट लगाएंगे। और हुआ क्या ना, जो ये गाड़ी खड़ी है ना, ये किसी भैया की गाड़ी खड़ी है, वो अभी कहीं मार्केट को गए हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, उनकी गाड़ी ना ख़राब हो गई थी, 6-7 दिन से यहीं खड़ी है, तो भैया बोलते कि टेंट लगाना तो लगा लो, क्योंकि आसपास कहीं भी सेफ एरिया नहीं है। और मुझे भी ये मतलब ट्रक के ऊपर सेफ लगा, क्योंकि आसपास पत्थर गिर रहा है, कुछ भी हुआ कुछ पता नहीं है, इसलिए टेंट ना हम गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं। तो अभी ना एक टेंट अभी यहाँ लग रहा है ट्रक में, और एक दूसरा टेंट मैं लगाऊंगा अपना यहाँ पे, और खाने पीने का ना हम यहीं कहीं पे कर लेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है, टेंट लगाते हैं, खाना पीना करते हैं, और आज की रात यहीं गुजारते हैं, और कुछ ऐसा कुछ करने को आज है नहीं। तो भैया टेंट वगैरह सारा लग गया था, और टेंट के अंदर आ गया हूँ, खाना वगैरह जो बनाना था बना लिया था, खा लिया था, और अब क्या प्लान है, अब सोते हैं, आपको मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह आपको दिखाएंगे कि हम किस लोकेशन पे कैसे रुके हुए थे, और ट्रक का जो मतलब जहाँ पर हम रुके ना ट्रक के अंदर टेंट लगाया है, वो भी आपको कल सुबह दिखाएंगे, क्योंकि अभी ना रात में कुछ दिखने वाला तो है नहीं। तो कल सुबह मॉर्निंग का इंतजार करिए, तो सोते हैं, आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारे ना व्लॉग का सेकंड डे है, यानी कल रात में सो गया था, उसके बाद उठ गया अभी, और यहाँ हमारे टेंट कुछ इस तरीके से लगे थे, और कुछ तरीके से ये ट्रक है, और ट्रक के अंदर दोनों टेंट बढ़िया करके लगा दिए थे। और यहाँ ना हमने अपनी बाइक पार्क कर दी थी, अभी क्या है, अभी कुछ पावर बैंक है वो चार्ज करने हैं, तो बगल में एक मैकेनिक की शॉप है, वहाँ रोहित अपनी गाड़ी भी दिखा लेगा, और हम अपने पावर बैंक भी चार्ज कर लेंगे। और भाई इससे उतरना ना थोड़ा टफ है, लेकिन उतर जाएंगे। तो उसके कुछ इस तरीके से उतरा जाता है ट्रक से, और भाई इतना प्यारा वेदर हो रहा है ना, सामने देखो कितने बादल लगे हुए हैं, और ठंडी ठंडी हवा, यहाँ ना लग भी नहीं रहा है कि गर्मी मतलब ठंडा है करके, एक टी शर्ट पे काम चल जा रहा है। और रात में भी तो ठंडा नहीं था ना था, रात में कहाँ जाना है, पैदल ही तो कदम पे ही है। तो अब चलते हैं, बाकी फिर उसका चाय वगैरह बनाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आज सरसू के लिए। बहुत अच्छा रहेगा। तो अंकल जी आए हैं आपके क्या कहते हैं महाराष्ट्र से, और अंकल लोगों के साथ लगभग 73 और लोग हैं। अंकल सारे एजेड लोग ही है ना, जहाँ तक है एजेड लोग 10-12 है, नहीं क्योंकि 40-45-50 के 60-12 लोग हैं। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी अंकल? मेरा 64 है। 64 और अंकल की एज 64, और अंकल इतने फिट हैं, और अंकल अभी निकल रहे हैं ले को ले लद्दाख के, एक और अंकल जा रहे हैं, बाय अंकल। तो अंकल की एक रिक्वेस्ट थी कि एक हमारा शूट कर देना, तो अंकल के साथ ना थोड़ा सा हम आगे तक आ गए थे, और अंकल की थोड़ी सी एक वीडियो, अंकल की रिक्वेस्ट पे ना एक वीडियो शूट कर दिया था हमने, तो अंकल को हम यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, अब आगे अंकल को मिलेंगे। अंकल हमारा यूट्यूब में चैनल है देवभूमि मोटर व्लॉग और रोहित पहाड़ी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंकल का भी ना मैंने चैनल अंकल को भी ना अपना चैनल सब्सक्राइब करा दिया है। नैनीताल कभी भी उत्तराखंड आओगे तो जरूर मिलने के लिए। तो यहाँ से ना चलते हैं हम आगे को, और अंकल को करते हैं बेस्ट ऑफ लक, बाइक दो किसे लिए, दो बाइक किसे सारी जल्दी। तो ना कुछ इस तरीके से हमने अपना चूल्हा वूल्हा चालू चल रखा है, और यहाँ पर अपना चाय बना रखी है, चाय पीते हैं अभी। और एक भैया जी आए, अंकल जी आप कहाँ से, महाराष्ट्र से, अभी एक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अभी ना बस अभी एक और अंकल महाराष्ट्र से गए आगे, लेह लद्दाख जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास सामान ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्या क्या आप सामान लेके कैरी कर रहे हैं? हम अभी जितना लगता है खाने का, जो थोड़ा थोड़ा लगता है, फ्रूट वगैरह जो सब साथ में लेते हैं, बाकी सब हमारा लगेज गाड़ी में रहता है। अच्छा, गाड़ी एक जारी होगी, कल उनका किया हुआ है, ठीक है, इवेंट वाले का, ठीक है, उसमें सब रहता है, वो जो आगे जाके टेंट लगा गया वो लगाएगा, खाना वीरा बनाएगा रात को, बाकी का सब हम रास्ते का सब साथ में। अपने पास जो ड्राई फ्रूट वगैरह वो आप अपने पास रख रहे हो, बाकी सब आपका गाड़ी में है जो आपके साथ चल रही है। तो वो गाड़ी पहले आगे चलेगी या पीछे को है? पीछे से अभी जो धीरे धीरे जिसको प्रॉब्लम आएगा हाँ उसको लेके आती है। अच्छा, उसमें एक आपके एक एम्बुलेंस सर्विस भी होगी और एक लगेज सर्विस होगी, ओके। मैकेनिकल दो है
और दो व्हीकल ऐसे, मतलब किसको इमरजेंसी होगा उसके लिए इमरजेंसी है, ठीक है, ऑक्सीजन डेवर के लिए ऑक्सीजन, ये बोलते हैं ना बॉटल, ऑक्सीजन बॉटल, वो सब है उसमें गाड़ी में, ओके, यानी सारी मेडिकल फैसिलिटी के साथ आप जा रहे हो आगे को। नाइस नाइस। तो आपका कितना दिन का है पूरा? नौ से दस दिन लग जाएंगे ऊपर जाने के लिए। अभी स्टे कहाँ पर है आज आपका? आज का स्टे इधर है, स्टे कुठे आपला आता पुढचा? जिप्सा, 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 जिप्सा में, जिस्पा, 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 ओके ओके, जिस्पा। नाइस। तो जिस्पा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है? नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ से अभी 20 हो गए, 20 किलोमीटर, 23 किलोमीटर ओनली। हाँ ओके नाइस। हर दिन 40 पर देखो 50। ये माला है श्रीराम, ये माला है बद्रीनाथ जी का, ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलेंगे जिस्पा पे, ठीक है अंकल जी, बेस्ट ऑफ लक, जिस्पा पे मिलेंगे। तो यहाँ पे ना अंकल जी से बहुत सारी बातें हो गई है और बहुत सारी जानकारी भी ले ली है, तो अंकल और भैया लोग को हम आगे मिल जाएंगे, क्यों अंकल भैया? ओके ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे आगे। ओके, बाकी हमारा यूट्यूब पे चैनल है देवभूमि मोटर ब्लॉग, उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा, कौन सा? देवभूमि मोटर ब्लॉग, अगर अभी आपके पास मोबाइल है तो अभी कर लीजिए, वरना आप भूल जाओगे। आपको ना इस टाइप का कंटेंट का भी देखा है आपने, ट्रक में बैठ के एक लद्दाख ट्रिप हो रही है बाइक लेके, और ट्रक पे अपना टेंट लगा के चल रहे हैं, और साथ में चाय सब हो रहा है और बाइक है। यार ये लेवल ना, हम शायद से पहले यूट्यूबर्स होंगे जो ये चीज कर रहे हैं, इससे पहले शायद किसी यूट्यूबर ने ये चीज नहीं करा होगा, ट्रक में टेंट लगाना और इतना रुक रुक के जाना और इतने सारे लोकेशन पे घूमते घूमते जाना और नए नए लोगों से मिलते जाना, तो ये यार नया एक्सपीरियंस है। और ट्रक वाला देखो लेट ज्यादा नहीं होना है, कम होना चलेगा, ज्यादा लेट होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मुझे बताओ आप क्या कहते हो, जगह जगह घूम के चलना मजा है या भाग भाग के तेज चलना मजा है? अगर इसके पापा इसको देख रहे होंगे बताओ, ये कह रहा तेज चलो यहाँ से वहाँ पहुंचो, मैं कह रहा हूँ मैं तेज चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक लोकेशन मतलब 5-6 किलोमीटर में, एक इतने बड़े ट्रिप में अगर 5-6 किलोमीटर का गैप लेना वो कोई वैल्यूएबल नहीं है मेरे हिसाब से, इन लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। कंटेंट लेंगे आगे, आगे भी बहुत कुछ है, आगे गाड़ियां गिरेगी लोगों की, उनको उठाएंगे, उनको बचाएंगे, खुद गिरेंगे खुद बचेंगे, वो भी एक कंटेंट है। तो आगे बढ़ते रहेंगे भैया, ये चाय खत्म करते हैं, टेंट टेंट पैक करते हैं, उसके बाद फिर एक जगह जाना है, वहां जाके फिर आगे चलेंगे हम जिस्पा को, जिस्पा से फिर आपका, जिस्पा से, जिस्पा से कहाँ जाएंगे भैया आज हम? सरचू। आप सरचू पहुंचोगे आज? मुश्किल लग रहा है, तो आज जिस्पा पे रुक जाएंगे, जिस्पा के बाद यही भाई लोग जो साइकिलिस्ट मिले थे इनके साथ आज रहना शुरू करेंगे और खाना पीने के साथ करेंगे आज। तो अभी चाय पीने के बाद अभी टेंट वगैरह सारा खोलना शुरू कर दिया है, और बाकी जो सामान था सब इधर उधर रख दिया, जो बाइक का सामान था बाइक में रख दिया है, टेंट वाला सामान जो मेरा इस बैग में रहता है उसको पैक करना है, फिर बाकी सब मेरा सामान पैक हो जाएगा, उसके बाद ना फिर यहाँ से हम निकलेंगे। शायद एक बार इसकी गाड़ी दिखाते हैं, रोहित की गाड़ी अगर लोकल में दिखाते हैं या फिर जिस्पा रुकेंगे तो जिस्पा में दिखाते हैं, अभी जैसा भी होगा पहले सामान पैक कर लेते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं क्या करना है। कल ना हमें टाइम लग गया था, जब मैं टेंट वेंट पैक करके अपना निकल रहा था तो रोहित चले गया था अपनी बाइक को सही कराने के लिए, तो उसकी बाइक को सही कराने में ना लगभग लगभग हमको 8-9 बज गए थे, तो फिर हमने क्या करा ना वापस यहीं पे टेंट वगैरह लगाया और यहीं पे अपना कल रात का पूरा इंतजाम करा, खाना पीना सब यहीं करा, और उसके बाद ना यहीं सो गए थे, कुछ करा नहीं, काम धंधा करा नहीं, बस आलसी बना करा। और अब ना यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कौन सा पार्ट इसमें आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग ना यहीं से स्टार्ट होगा, अभी मैं टेंट वगैरह पैक करूँगा और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम सरचू के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।